चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। स्टेट State briefly any two reasons explaining the need for modulating a signal. ओके Draw a labeled block diagram of a simple modulator for obtaining an AM signal. चलिए, ये दोनों क्वेश्चन हट चुके हैं सिलेबस से, ठीक है ना। इसको हमें नहीं करना है और ऑप्टेन सिग्नल मिलने वाले, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। ना 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 24 हो गया है। रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप, ओके। तो ये था भाई मॉड्यूलेशन की नीड, ये हुआ करती थी मॉड्यूलेशन की नीड, जो अब हमें नहीं पढ़ना है। और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का डायग्राम, फ्रिक्वेंसी के बैंड्स दिए गए हैं। बाय बाय। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे काम का है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए रीना। स्टेट State Ampere's circuital law use it to derive an expression for magnetic field inside along the axis of an air core solenoid. Sketch the magnetic field lines for a finite solenoid. How are these field lines different from the electric field lines from an electric dipole? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल फुल टू बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। एम्पियर सर्कुलर लॉ बताना है और इसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करना है और उसके बाद आपको बताना है कि पैटर्न कैसा होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसका। चलिए, तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, पढ़िए रीना। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। दैट इज बाउंडेड इंटीग्रल ऑफ B dot dl is equal to mu not I. जी हाँ, तो ये होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए करेंट यहाँ से जा रही है, ओके। तो करेंट इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, पहला छल्ला बन रहा है नॉर्थ का, ठीक है ना, पहला छल्ला बन रहा है नॉर्थ का, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से जाएंगी और अंदर थ्रू होकर के एक क्लोज सर्कुलर लूप बनाएगी। पढ़िए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड पैक हेलिक्स कैरिंग करंट। टू कंस्ट्रक्ट अ सोलेनॉइड अ लार्ज नंबर ऑफ closely packed turns of insulated copper wire are wound on a cylindrical tube of cardboard or china clay. When an electric current is passed through the solenoid, a magnetic field is produced within the solenoid. If the solenoid is long and the successive insulated copper turns have no gaps, then the magnetic field within the solenoid is uniform with practically no magnetic field outside it. The reason is that the solenoid may be supposed to be formed of a large number of circular current elements. The magnetic field due to a circular loop is along its axis and the current in upper and lower straight parts of solenoid is equal and opposite. Due to this, the magnetic field in a direction perpendicular to the axis of solenoid is zero and so the resultant magnetic field is along the axis of solenoid. If there are n number of turns per meter length of solenoid and I amperes is the current flowing, then magnetic field at axis of long solenoid B is equal to mu naught n I. If there are n turns in length L of wire, then small n is equal to capital N upon L. और B equals to mu naught n I upon L. बोलो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे B की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको मतलब ये हमको प्रूफ करना है ना, ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये हमको प्रूफ करके लेके आना है। क्लियर यहाँ तक, बोलो बच्चों? यस हाँ। ओके, चलिए डेरिवेशन पढ़िए। कंसीडर अ सिमेट्रिकल लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू एन। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, देन बाय द राइट हैंड रूल द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड field outside the solenoid. Consider a closed path ABCD, applying Ampere's law to this
path bounded integral of B dot dl is equal to mu naught into zero, since net current enclosed by the path is zero. As dl is unequal to zero, therefore B is equal to zero. This means that the magnetic field outside the solenoid is zero. Field inside the solenoid. Consider a closed path PQRS. The line integral of magnetic field B vector along path PQRS is. देखिए म्यू नॉट आई क्योंकि सो नेट करेंट इंक्लोज्ड बाय द पाथ इज जीरो. अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर क्योंकि कोई भी करंट नहीं जा रही है इसलिए बाहर वाले फील्ड में अगर बाहर की बात करेंगे तो इसमें बी डॉट डी एल इक्वल टू लाइन इंटीग्रल जीरो आ जाएगा. मतलब बाहर का फील्ड जो है टोटली जीरो हो जाएगा. क्लियर हो गया? Yes, sir. फील्ड आउट द सोलेनोइड इक्वल टू जीरो. A field inside the solenoid, consider a closed loop PQRS, the line integral of the field B along the PQRS. तो PQRS loop देख लो भाई, PQRS, ठीक ना, PQRS, बाहर के लिए कोई loop नहीं लिया था क्या? बाहर के लिए, consider a closed path ABCD, okay, ABCD, ABCD. तो ए बी सी डी में टोटल ही जीरो ले लिया. ए बी सी डी में टोटल ही जीरो ले लिया, क्या जरूरत थी भाई इसकी? ए बी सी डी इक्वल टू जीरो. सिंस द नेट करंट इंक्लोज्ड बाय द पाथ इज जीरो. अच्छा हाँ बच्चों, ये समझ में आया इसने क्या किया एक्चुअली? ये मतलब ये तरीका पूरा सही नहीं है इनका, क्योंकि ये जो पाथ तुम चलोगे ये वाले लूप में जो अपना बी आएगा वो डीएल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वाला पाथ जीरो हो जाएगा, ये वाला पाथ जीरो हो जाएगा. बोलो हाँ सर. और बाहर तो करंट ही जीरो है, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है एक्चुअली, करंट जीरो लेके कर दिया है ना. तो करंट बाहर जीरो है क्योंकि जितनी करंट अंदर जाएगी उतनी करंट बाहर चली जाएगी, तो नेट करंट बाहर कोई लेने का मौका ही नहीं मिलेगा. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलिए अब ये वाले पाथ को देखते हैं. पी क्यू आर एस तो पढ़ो बेटा. बाउंडेड इंटीग्रल पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल ऑफ नहीं इंटीग्रल ऑफ बी डी एल प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल अलॉन्ग क्यू आर प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल along RS and integral of B dot DL along SP. For path PQ, B vector and DL vector along are along the same direction. Therefore, integral of B dot DL along PQ is equal to integral of B dot DL is equal to BL. For path QR and SP, B vector and DL vector are mutually perpendicular. Therefore, integral of B dot DL along QR is equal to integral of B dot DL. For path RS, B is equal to 0. Therefore, integral of B dot DL is equal to 0 along RS. In view of these equation, 1, V gives bounded integral of B dot DL along PQRS is equal to integral of B dot DL along PQ is equal to BL. By Ampere's law, bounded integral of B dot DL is equal to mu naught into net current enclosed by the path. Therefore, BL is equal to mu naught into NLI is equal to B is equal to mu naught into NL. This is the well-known result. B mu naught NI beta. Mu naught NI. Clear हुआ? Okay. हाँ. क्योंकि, yes sir. क्योंकि यहाँ पे total देखो B dot DL मतलब B into L equal to mu naught into current enclosed. तो अब L length है, small L length. Unit length में small n फेरे हैं. तो L length में कितने फेरे होंगे? N into L. और हर फेरे में कितनी करंट जा रही है? आई. तो एन इंटू एल इंटू आई. तो एल से एल हो गया कैंसिल, आंसर हो गया म्यू नॉट एन आई. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर. चलो ठीक है, ये डेरिवेशन कर लेना बच्चों. हाँ देखिए नेक्स्ट. अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ये होता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जाता है सोलेनॉइड का. चलो 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 सोलेनॉइड्स का किस तरीके से जाता है. ओके पढ़िए श्रुति. द मैग्नेटिक फील्ड The magnetic field lines of magnet or current carrying solenoid from continuous closed loops are directed from north to south pole outside the magnet and south to north pole inside the magnet and forms closed loops. While in the case of an electric dipole, the field lines begin from positive charge and
end on negative charge or escape to infinity. क्लियर क्लियर. यस सर तो ये मैग्नेटिक यस लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाते हैं, बट ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. चलिए श्रुति अगला क्वेश्चन पढ़िए. यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप. ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप. अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पीयर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क of radius 2 cm as shown. What is the magnetic field B vector at O due to straight segment and semicircular arc? चलिए तो आपको बताना है कि O पर क्या होगा. स्ट्रेट सेगमेंट पर तो जीरो होगा क्योंकि इसके एक्सिस पर होगा और इसकी वजह से कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R. तो तीनों क्वेश्चन बहुत प्यारे बहुत सुंदर क्वेश्चन है. तीनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि बायोट से बर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पर. पढ़िए श्रुति मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप. Consider a circular loop of radius r carrying current I with its plane perpendicular to the plane of paper. Let P be a point of observation on the axis of this circular loop at a distance x from its center O. Consider a rod element of length del L of the coil at point A. The magnitude of the magnetic induction del B vector at point P due to this element is given by. हाँ उसको डेल बी को बेटा डी बी पढ़ देना. डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर. द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल एंड द एंगल बिटवीन आई डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन डी बी वेक्टर इज गिवन बाय डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डायरेक्शन जाएगी. देखिए आराम से ये पी क्यू ऊपर की तरफ जा रही है. समझ गए बच्चों ये पी क्यू क्लियर है. yes, sir. हाँ और जब ये वेक्टर रेडियल वेक्टर मैग्नेटिक इसके एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा वो अपने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा अल्फा. तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों अल्फा. चलो डायग्राम बना लो जल्दी से एक बार. चलो डायग्राम बना लो जल्दी से. अरे श्रुति तुम यार हम आ रहे हैं स्कूल तुम्हारे तुम जा रही हो नहीं तो हम आइसक्रीम का ठेला लेके स्कूल में ही आ जाते घंटी बजाते हुए. सर तो कब आ रहे हो सर मेरे भाई को पढ़ा देना. न्यू सेशन में आएंगे जहाँ तक तो हम सोचे थे कि क्लास भी चलेगी साथ साथ में आइसक्रीम भी सेलिंग होगी. आराम से आइसक्रीम लेकर के आएंगे अलग अलग टाइप की घंटी बजाते हुए टन 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 टन. एरीना से तो रहा ना गया. एरीना ने आइसक्रीम खा ली बीमार हो गई मेरे आने के पहले ही. सर हाँ सर मतलब मेरे से रहा नहीं गया मेरा आइसक्रीम खा ली कि पेपर के पहले मैं बीमार हो जाती. सही बात है. यस सर बना लिया. चलो एरीना बना लिया बेटा. दो मिनट. अरे एरीना कलर मत करो यार तुम कितने ग्लिटर ग्लिटर पेन चला रही हो उस पे. यस सर हो गया सर चला लीजिए. ग्लिटर पेन चलाती हो. चलो भाई ये श्रुति भी कम नहीं है क्रेयॉन्स लेके बैठा करती फिजिक्स की क्लास में. सर आदत से मजबूर. चलो ठीक है ओके. चलिए पढ़िए इन फिगर डीबी श्रुति. इन फिगर डीबी वेक्टर हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय पीक्यू वेक्टर. द वेक्टर डीबी वेक्टर और पीक्यू वेक्टर कैन बी रिजॉल्वड इनटू टू कंपोनेंट्स नेमली पीएम एंड पीएन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रेस्पेक्टिवली. नाउ कंसीडर अनदर स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीआई एट ए डैश. डी द मैग्नेटिक इंडक्शन
लेंथ डी एल डेल्टा एल, लेंथ कंपोनेंट डेल्टा एल है बेटा, वो आई जैसा दिख रहा है, एट ए डैश द मैग्नेटिक इंडक्शन, एट ए द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ डी बी वेक्टर हैड ड्यू टू दिस एलिमेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू डैश वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज म्यू नॉट आई डी एल डैश बाय पी by 4 pi r square and which can also be resolved into two components pm and pn dash along the axis and perpendicular to the axis respectively. Thus, if we consider the magnetic induction produced by the whole of the circular coil, then by symmetry the components of magnetic induction perpendicular to the axis will be cancelled out, while those parallel to the axis will be added up. Thus, the resultant magnetic induction B vector at any point is along the axis and may be evaluated as follows. The component of dB vector along axis is dBx is equal to mu naught IdL by 4 pi r square sine alpha. But sine alpha is equal to r by r, r by small r, and small r is equal to r square plus x square to the power 1 by 2. बच्चों ये दो स्टेप देखो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपको. टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो साइन कंपोनेंट गिरेगा क्योंकि टोटल सारे के सारे साइन की डायरेक्शन में जा रहे हैं. देख लो एक बार डायग्राम में आपने बनाया है ये साइन की तरफ क्योंकि कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये जो कंपोनेंट जाएगा ये बनेगा डी बी साइन अल्फा. बोलो हाँ हाँ सर. ओके हाँ सर. तो टोटल कंपोनेंट जो हो गया डी बी साइन अल्फा. तो डेल्टा बी एक्स वैल्यू पुट कर दो बच्चों. देखो म्यू नॉट अपॉन आई डी एल फोर पाई आर स्क्वायर आर बाई आर आई आर. ओके कहाँ से आ गया भाई ये फोर पाई आर स्क्वायर. हाँ आई आर साथ में ले लिया. डेल्टा एल को बाहर कर लिया. म्यू नॉट आई आर फोर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू डेल्टा एल. क्लियर पढ़ो. देयरफॉर देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट एक्सियल पॉइंट पी ड्यू टू द होल सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रल म्यू नॉट आई आर बाय फोर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू डी एल is equal to mu naught IR by 4 pi r square plus x square to the power 3 by 2 bounded integral of dl, but bounded integral of dl is equal to length of the loop is equal to 2 pi r, but therefore b is equal to mu naught IR by 4 pi r square plus x square to the power 3 by 2 into 2 pi r is equal to mu naught IR square by 2 r square plus x square to the power 3 by 2 tesla. If the coil contains n turns then B is equal to mu naught N I R square by 2 R square plus X square to the power 3 by 2 Tesla. Okay, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लूप सर्कुलर कॉइल के कारण देखिए इस तरीके से फील्ड जाएगा. बना लीजिए बच्चों सर्कुलर कॉइल का. ठीक है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू ए करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप. करेंट जा रही है क्या एंटी क्लॉकवाइज तो लूप डायरेक्शन जाएगी अपवर्ड. एरिना डन डन सर डन. चलो नेक्स्ट पढ़ा पूछा गया है कि स्ट्रेट वायर दी गई है 12 की उसको बेंट कर दिया गया है क्या क्या होगा भाई बताओ. चलो पढ़ो श्रुति. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to a current carrying element dB vector is equal to mu naught by 4 pi IdL vector cross r vector by r cube. For straight segments theta is equal to 0 or pi, delta r dl vector into r vector is equal to dl r sine 0 and cap is equal to 0, therefore b1 is equal to 0. समझ में आया बेटा समझ में आया. मतलब इस वाले पार्ट में जो अल्फा एंगल होगा वो कितना होगा 0 होगा रेडियल वेक्टर के साथ. ठीक है ना. हाँ तो इसलिए जीरो हो गया ना. अब सेकेंड सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए जो बेटा जो टोटल डीएल आएगा लेंथ डीएल आएगा वो होगा पाई आर. बोलो हाँ हाँ सर. और आर वेक्टर का एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताओ पाई बाई टू होगा सर. हाँ तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई सिग्मा आईडीएल अपॉन आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब हुआ करता है वेक्टर फॉर्म में. क्लियर क्लियर है सर. तो I बाहर आ गया सिग्मा डी एल साइन पाई बाई टू ओके अपॉन R का स्क्वायर क्योंकि मॉड R से R एक कैंसिल कर दिया इन लोगों ने है ना. वेट R से R कैंसिल कर दिया इन टू एन कैप. ओके और डी एल की वैल्यू रख देंगे तो डी एल की वैल्यू पाई R कर दी एन कैप हो गया. देखो म्यू नॉट I अपॉन फोर पार फोर फोर R. समझ में आया कि नहीं आया.
अच्छे से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। देखो अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, जो पार्ट नहीं आ रहा समझ में मेरे को बोलो। सर एक बार सर डायग्राम दिखा दीजिए। ये है बेटा डायग्राम, सेंटर ओ पे निकालनी है, रेडियस आर है। हाँ सर डन। एरिना आया समझ में? हाँ सर आ गया सर। श्योर चलिए चलिए, डायरेक्शन कैसी होगी? करंट ऐसी जा रही है ना? ओके भाई, पकड़ो भाई करंट को, पकड़ो पकड़ो उंगली इनवर्ड। इनवर्ड। यस बिल्कुल सही, डाउनवर्ड द पेपर। चलो चले आगे, बन जाएगा बच्चों, बन बन जाएगा। जाएगा सर। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एरिना। श्रुति, श्रुति पढ़िए क्वेश्चन। रेजिस्टर, अ रेजिस्टर ऑफ 400 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 5 बाय पाई हेनरी एंड अ कैपेसिटर ऑफ 50 बाय पाई म्यू फराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 140 sin 100 pi t वोल्ट। फाइंड द वोल्टेज आरएमएस अक्रॉस द रेजिस्टर द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। ओके तो बताइए कि क्या इसका जो टोटल वोल्टेज है वो ज़्यादा आ रहा है, और वो ऐसा है तो क्यों आ रहा है? देखिए एक रेजिस्टेंस है 400, ये है कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, सोर्स लगा हुआ है 140 sin 100 pi t वोल्ट। फाइंड द आरएमएस रेजिस्टर मतलब इंडक्टर मतलब आप वी आर वी आई सॉरी आई इन टू आर आई इन टू एक्सएल और आई एक्स ही फाइंड करना है, फिर टोटल को जोड़ने के बाद वो फाइंड करना है, ठीक ना? पहला पार्ट कर लेते फिर आराम से दूसरा पार्ट भी देखेंगे। चलिए हाँ बच्चों, तो बच्चों आर की वैल्यू दी गई है, एल दी गई है 5 पाई पाई, 5 बाई पाई, सी दिया गया 50 बाई पाई माइक्रो फेरेड, तो इसको तोड़ लिया ना, वोल्टेज इक्वल टू इतना हो गया बेटा। अब वी नॉट कितना दिया गया बेटा 140, हमको क्या चाहना पड़ता है? वी आर एम एस, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वी नॉट बाई रूट टू, ठीक ना? क्योंकि वी आर एम एस कर देने से डी सी वाले फॉर्मूले लगने शुरू हो जाएंगे। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी 2 पाई एन इक्वल टू 100 पाई, एन की वैल्यू आ गई, वी निकाल लिया। नाउ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 100 पाई। ये देखो ओमेगा इक्वल टू 100 पाई दिया गया है, कंपेयर करने पे कैसे आ गया देखो, ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई टी, इसमें एक मिनट बेटा ये गलत लिखा है, 140 sin 100 pi t था देखो, हाँ ये देखो 100 pi t था बेटा, गलत लिखा है ये, इसको 100 कर लेना है तभी तो ओमेगा कितना बेटा 100 पाई। ओके इंटू 5 पाई बाई पाई, तो बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया 500 ओम। बोलो यहाँ तक क्लियर बच्चों? हाँ सर क्लियर। हाँ सर क्लियर। ओके एक्स इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ये आ गया 1 बाई ओमेगा सी, एक्स टोटल इम्पिडेंस ही आ गया बच्चों, टोटल करेंट इक्वल टू क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन वी आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन जेड, तो ये आ गई बच्चों आई आर एम एस। नाउ वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा आर आई, तो आर है 400, आई आ गई 2 एम्पियर, तो 80 वोल्ट एक आया, 100 वोल्ट एक आया, 40 वोल्ट एक आया, हाँ। तो टोटल को जोड़ो बच्चों, टोटल को अगर मैं जोड़ूँ तो 80 100, 180 और 180 और 40 कितना हो गया? 220, हाँ या ना? हाँ सर। अब भाई 180 और 40 220, और लगाए कितने का हो आप? देखो वोल्टेज आप जो लगाए हो वो कितने का वोल्टेज लगाए हो आप? 140 है ना, मतलब 140 का आप लगाए हो, मतलब 140 sin 100 pi t, और जो आपने टोटल मतलब जो वी आर एम एस लगाया था वो 100 का लगाया था, मतलब जो वोल्टेज आपका था मेनली डीसी के हिसाब से 100 का था, और बट कितना रहा है? 220। बोलो यस और नो? यस। हाँ तो ये गलत क्यों हो रहा है बेटा? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 80 प्लस 100 प्लस 40, रुक जाओ, हाँ 80 प्लस 100 प्लस 40, बेटा मैंने गलत देख लिया, ये वाला जोड़ दिया था, 80 प्लस 100 प्लस 40, यार 80 प्लस 100 प्लस 40 होगा ना, गलत लिखा है बच्चों, ये गलत लिखा है ये बेटा, यहाँ पे +40 होगा, -40 क्यों कर दिया भाई? कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो होता है, चलो माइनस भी है ठीक है, बस एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू दिस देन 100 वोल्ट। बच्चों यहाँ पे +40 कर लेना, +40 करके 220 आ जाएगा। ओके ले आओगे? ओके yes, अब 220 ज़्यादा हो गया, अब बताना पड़ेगा कि भाई वो जो सम आ रहा है वो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है।
यस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज. अब मतलब इन लोग इसने क्या किया मालूम, इसने एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज बोला है, सम करने को बोला और यहाँ पे माइनस ले लिया. अरे भाई तुम क्यों माइनस ले रहे हो, 40 वोल्ट मानता हूँ कैपेसिटर का वोल्टेज लैग कंडीशन में होता है तो माइनस होता है, मतलब ये लेना नहीं चाहिए क्योंकि सम की बात कर रहे हो. वो तो चलो बड़ी वैल्यू है इसलिए गलत नहीं आया, नहीं तो हो सकता था छोटा पहुंच जाता, तो इसलिए आपको सम ही लेना है. तो यहाँ पे अपने पास जो सम करोगे बच्चों तो आपका 220 आएगा. मेरी बात आई समझ में कि आपको नहीं आई? हाँ सर, यस सर सर, पर आज कुछ क्वेश्चंस में सर मैंने भी देखा सर, सम करते हैं तो सर ये लोग वीसी ले लेते हैं तो सर माइनस कर देते हैं जिसमें इंडक्टर बड़ा होता है। तो VC अगर आप माइनस कर रहे हो मतलब आप मतलब इसका मतलब क्या, आप तो फिर वेक्टर रिलेशनशिप ए वो कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो. हाँ सर भाई अगर आप सर VC ले जब मतलब VC ले रहे हो तो मतलब वेक्टर रिलेशनशिप आप कंसीडर कर रहे हो, है ना? हाँ सर ओके हाँ. अब यहाँ पे देखो इनका इनका रिलेशन क्या कह रहा है. ये कह रहे हैं कि हमने एक क्वांटिटी मानी है VR और एक क्वांटिटी मानी है VL माइनस VC. हाँ ये कह रहे हैं, समझ गए ना? मतलब बच्चों क्या कहना हाँ है इनका, सर इनका ये कहना है कि जो VL और VC हैं हमने उनको एक दूसरे के अपोजिट फेज में ही लेकर के चले हैं. मैं जो आपको बात बता रहा हूँ मैं उनको इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह देख रहा हूँ. और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यस द एल्जेब्रिक सम इज 160 वोल्ट इज मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट. बोलो क्लियर हुआ? हेलो, सर एक बार और सर एक बार और बता रहा हूँ. देखिए यहाँ पर तीनों वोल्टेज आया. अब तीनों वोल्टेज में मैं अलग अलग तीनों एलिमेंट को ले रहा हूँ तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप 220 ले लो. बट ये कह रहे हैं VL में से VC को इन लोगों ने माइनस कर दिया, मतलब इनके कंसिड्रेशन में ही VL का वोल्टेज ऊपर है और VC का वोल्टेज नीचे है. मतलब ये खुद के कंसिड्रेशन में ही चल रहे हैं कि VL और VC अपोजिट फेज में जाते हैं, मतलब माइनस होते हैं. बोलो यस और नो? यस सर हाँ. तो इन यस लोगों ने सर उसको माइनस करके 160 ले लिया है, 160 ले लिया है. अब अगर 160 है तो 160 के साथ आप डायरेक्टली मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, 80 और 40 का, 40 के साथ आप 100 को डायरेक्टली कब जोड़ सकते हो? मतलब 80 था और ये 40 था, तो 80 और 40 का जो डिफरेंस आया था वो 40. देखो गलत करा इन लोगों ने वो भी. बताओ बच्चों 80, 100 और 40, 160 आएगा कि नहीं आएगा? हद 140 आएगा, कर रहे हैं. 140 आएगा सर। वही तो वही 140 आएगा. तो इनका कहना है कि वो 100 में 40 जोड़ रहे हैं, 40 क्या डिफरेंस है, तो 100 में 40 का डिफरेंस डायरेक्टली कब ऐड होगा? जिस समय दोनों सेम फेज में होगा, 100 और 40 जब सेम फेज में होगा. बोलो यस और नो? यस सर बेटा डायरेक्ट यस जुड़ने सर के लिए दोनों वोल्टेज को सेम फेज में होना चाहिए, बट आपको पता होगा कि रजिस्टिव वोल्टेज जो होता है वो कितने एंगल पे होता है? पाई बाई टू एंगल पे. हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर तो लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज वी आर एंड वी एल माइनस वी सी आर नॉट इन सेम फेज, बट वी एल माइनस वी सी लीड्स वी आर बाई देन एंगल पाई बाई टू. तो अगर आप इसका पाई बाई टू के साथ एंगल लेकर के पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे तो वो वाकई में आपको 100 वोल्ट मिल रहा है, बट अलग अलग निकालेंगे तो वो ज़्यादा मिल रहा है. दिस रिजॉल्व द पैराडॉक्स. इस तरीके से ये भ्रांति शांत हो गई यहाँ पे. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर क्लियर हो सर गया? आ गया ओके. एनी प्रॉब्लम? नो सर चलिए नो सर ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति. एन आइडियल कैपेसिटर. एन आइडियल कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर एल थ्रू अ स्विच एस। ऑन क्लोजिंग द स्विच शो दैट देन सम ऑफ द एनर्जीज इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम इन द फ्री ऑसिलेशंस इन द एल ऑफ द एलसी सर्किट्स। हाँ LC ऑसिलेशन बताना है बच्चों इसमें. इसने क्या बता दिया? इसने तो एडी करंट बना दी बेटा, बिना बात को ही एडी करंट बना दी. इसने पूछी नहीं गई एडी करंट है. LC ऑसिलेशन बनाना था और पढ़ लिया अपन ने एडी करंट. अच्छा इसका सेकेंड पार्ट इसने छोड़ दिया है, चलो कोई बात नहीं छोड़ दें दो. तो बच्चों सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं अपन. व्हाट आर एडी करंट? पढ़िए श्रुति. व्हाट आर
what are eddy currents? How are these currents reduced in the metallic cores of transformers? By using laminated core. हाँ, पहला पार्ट कर लेते हैं फिर दूसरा पार्ट करेंगे. चलो पढ़ो श्रुति. एडी करेंट्स. एडी करेंट्स, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस सो इंड्यूस्ड करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर व्हिच कॉजेस हीटिंग ऑफ द कंडक्टर द कंडक्टर्स द करेंट्स इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर आर कॉल्ड एडी करेंट्स इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर एक्सपीरियंस लॉरेंट्ज़ फोर्स एंड ट्रैवर्स क्लोज पाथ which are equivalent to small current loops. These currents are the eddy currents. They cause heating effect and sometimes the conductor becomes red hot. Next, eddy current losses. May be reduced by using laminated soft iron cores in galvanometers, transformers, etc. and making holes in conductors. चलिए, बच्चों clear? Clear है sir. Arina, clear beta? Yes sir, clear sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स अ 2.5 किलो वोल्ट लाइन इट सप्लाइज अ लोड विद 20 एम्पीयर द रेशियो ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी इज 10:1 इफ द ट्रांसफार्मर इज 90% एफिशिएंट कैलकुलेट द पावर आउटपुट द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेकेंडरी. ओके, देखिए सबसे पहले बेटा इनपुट पावर निकालेंगे पी इक्वल टू वी आई का यूज करके. पी इक्वल टू वी आई और जो इनपुट पावर आएगी बेटा उसका 90% निकाल लोगे तो वो आ जाएगी आउटपुट पावर. ओके ओके सर. ओके, उसका आउटपुट पावर आ जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग ये निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे आउटपुट साइड का, आउटपुट साइड का वोल्टेज और करंट इन द सेकेंडरी यानी कि आउटपुट करंट निकाल लेंगे. चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा. देखिए वोल्टेज दिया गया, देखिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज इक्वल टू 2.4 किलो वोल्ट यानी कि 2.4 इंटू 10 की पावर -3 अरे भैया +3 हाँ 2.5 इंटू 10 की पावर +3 वोल्ट हो गया. प्राइमरी साइड की करंट कितनी दी गई है बेटा 20. पावर क्या होती है बेटा वी इनपुट आई इनपुट. बोलो हाँ सर. तो 50 किलो वाट की पावर आ गई ट्रांसफार्मर की. बोलिए यस और नो. यस सर. ओके, 50 किलो वाट की पावर आ चुकी है बट एफिशिएंसी कितनी बेटा इसकी 0.9. तो पी आउटपुट इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ पी इनपुट कितनी आई 50 किलो वाट. तो बेटा इसको सॉल्व कर दोगे तो 45 किलो वाट आ गई आउटपुट पावर. बोलो यस और नो. यस सर. ओके, अब देखिए जो टर्न रेशियो दिया गया है बेटा वो हमको दिया गया है वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी. जो क्वेश्चन में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना दिया गया है 10:1. तो वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी इक्वल टू N2 अपॉन N1. तो N2 अपॉन N1 कितना दिया गया बेटा 10:1. और यही क्या होता है बेटा दिस इज इक्वल टू आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी. बताओ याद है कि नहीं याद है? यस सर याद है. ओके, तो बेटा यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी सेकेंडरी आ गया. देख लो बेटा 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 250 वॉट. हाँ या ना? क्लियर है बेटा? ओके, अब देखिए करंट निकालना है बेटा आई एस. तो आई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा पी अपॉन वी एस, क्योंकि पी पावर अपॉन आउटपुट पावर अपॉन वोल्टेज इक्वल टू करंट ही निकलेगी. तो 180 एम्पीयर की करंट. बच्चों समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? यस सर. चलिए ठीक है ना. तो ये हो गया. कोई दिक्कत एक बार फिर से देख लो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना न्यूमेरिकल में? यस सर क्लियर. क्लियर है सर. ओके बच्चों. ओके नेक्स्ट, डेराइव वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जेनर डायोड. क्यों जेनर डायोड हट गया ना हमारे सिलेबस से? यस सर हट गया. यस सर हट गया. चलिए ओके, जेनर डायोड छोड़ दीजिए फिर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द यूज ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर. ज्यादा आता था ये प्रश्न, हट गया है. चलिए अगला क्वेश्चन है, ए फोटो डायोड ऑपरेटेड अंडर रिवर्स कंडीशन रिवर्स बाइस थ्रू द
रिवर्स बाइस, ऑल्दो इन द फॉरवर्ड बाइस द करेंट इज नोन टू बी मोर देन द करेंट इन रिवर्स बाइस, एक्सप्लेन गिविन रीजन. ए फोटो डायोड इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बाइस ऑल्दो इन फॉरवर्ड बाइस द करेंट इज नोन टू बी मोर देन द करेंट इन रिवर्स बाइस, एक्सप्लेन गिविंग रीजन. फोटो डायोड की बात करी जा रही है. चलिए लिखिए बच्चों आंसर. ए फोटो डायोड इज यूज इन रिवर्स बाइस ऑल्दो इन द फॉरवर्ड बाइस द करेंट इज मोर. करेंट बच्चों फॉरवर्ड बाइस में जो होती है मिली एम्पियर में होती है और रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर में होती है. तो करंट आप फॉरवर्ड बाइस में ज़्यादा ले सकते हैं, उसके बावजूद भी फोटो डायोड का यूज़ रिवर्स बाइस में किया जाता है. इसका रीज़न क्या है? फॉरवर्ड बाइस करंट इन मोर देन करंट इन रिवर्स बाइस, बिकॉज इन रिवर्स बाइस इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व चेंज इन करंट विथ चेंज इज़ लाइट इंटेंसिटी. बच्चों ये लिख लो कि जो रिवर्स बाइस होती है उसमें, मतलब लर्निंग फैक्ट है, कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसको याद ही कर सकते हो. तो आंसर लिख लो कि रिवर्स बाइस में इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व चेंज इन करंट विथ चेंज इन लाइट इंटेंसिटी. रिवर्स बाइस में ऑब्जर्व करना इजी होता है चेंज इन करंट, है ना, कंपेरेबल टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी. लाइट इंटेंसिटी की तुलना में करंट को डिटेक्ट करना ज़्यादा इजी होता है, चेंज इन करंट देखना ज़्यादा इजी होता है रिवर्स बाइस में. क्लियर बच्चों? क्लियर है सर. हाँ, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है ना. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति. ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ अ बेस बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर इन सी कॉन्फ़िगरेशन. एक्सप्लेन हाउ दिस सर्किट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक वीओ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स. हाउ डू वी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक. चलिए ट्रांजिस्टर हट गया बच्चों सिलेबस से, तो ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका हुआ करता था. ओके तो ये हमारा बच्चों पेपर हो गया, बी वाला पार्ट भी हो गया है. बी वाला पार्ट ये देखिए. ये बी वाला पार्ट है. चलिए सेट नंबर टू पढ़िए श्रुति. अ सर्कुलर लूप. अ सर्कुलर लूप इज मूव थ्रू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन. हाँ बेटा. सर आज के लिए बस इतना ही रहने दे प्लीज सर. हाँ जी बेटा ठीक.